लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के गब्बर का बड़ा बयान। चुनाव दो दलों के बीच लड़ा जाता है। इंडिया गठबंधन का न तो कोई विजन है और न ही चेहरा। हरियाणा की 10 लोकसभा व एक विधान सभा की सीट होगी भाजपा के खाते में। राम रहीम को राहत देना पूरी तरह कोर्ट का फैसला। राज बब्बर को सिर्फ देखने आ रहे थे लोग। सोनीपत के सांसद के भीतरी घात के आरोपों की चुनाव के बाद की जाएगी समीक्षा। शनिवार को भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें 4 जून को आने वाले नतीजों पर जमी है। जहां इंडिया गठबंधन अपनी जीत तय मान रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहा है। शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी मोदी के 400 पार के नारे को दोहराते दिखाई दिए। अनिल विज की माने तो चुनाव दो व्यक्तियों के बीच होता है। भाजपा तो मोदी के फेस पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था। पूर्व गृह मंत्री हरियाणा ने गुड़गांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर हमला बोलते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने तो अपने किए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगे, लेकिन राज बब्बर के पास कौन सा रिपोर्ट कार्ड था? उनकी रैलियों में भीड़ सिर्फ उन्हें देखने वालों की थी। तो वहीं राम रहीम पर भाजपा सरकार की ओर से की जा रही खास मेहरबानी को अनिल विज ने पूरी तरह नकारते हुए इसे कोर्ट का फैसला बताया। सोनीपत के सांसद के भीतरी घात के आरोपों पर अनिल विज का साफ तौर पर कहना था कि चुनावों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही अनिल विज हरियाणा में अपनी 10 लोकसभा सीटों व एक उपचुनाव की नायाब सैनी की सीट पर जीत के प्रति पूरी तरह से निश्चिंत नजर आए। चुनाव भारत में हो गए हैं, क्या आकलन कर रहे हैं आप, कितनी सीटें आपके पास बीजेपी की आ रही है? देखिए ऐसा है, ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में होता है। इसमें हमारा तो लीडर थे नरेंद्र मोदी, लेकिन हम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? उनका ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना उनका कोई नेता है, तो ये तो वन साइडेड चुनाव है। और जो नारा दिया है मोदी जी ने कि अब की बार 400 पार, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सच होने जा रहा है। एक तरफ 20 साल से दिग्गज जो है राव इंद्रजीत सिंह है, गुरुग्राम विधानसभा की बात करो, दूसरी तरफ राज बब्बर को उठा रहा है, काफी शोर मचाया जा रहा है कि अब की बार राज बब्बर की जीत होगी। ऐसा है, लोग देखने के लिए राज बब्बर को आते हैं, वोट डालने के लिए नहीं आते। वोट डाली जाती है पास परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर राव इंद्रजीत की तो परफॉर्मेंस है, बब्बर राज बब्बर क्या बताएंगे कि मैंने इस फिल्म में काम किया, मैंने उस फिल्म में काम किया। लोगों को तो अपने कामों के बारे में जानना चाहते हैं ना। सर राम रहीम की बात करूँ, आपको लगता नहीं कि भाजपा सरकार की ज्यादा ही उनके ऊपर कृपा दृष्टि रही है? नहीं नहीं, कोई कृपा दृष्टि नहीं है, ये तो देखिए कोर्ट ने की है। अब कोर्ट ने कि जिस डिसीजन के ऊपर तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। लगातार हरियाणा में 10 सीटें हैं सर लोकसभा की, क्या आकलन कर रहे हैं आपके? देखिए 10 में से 11 जीतेंगे, 10 लोकसभा की, और एक जहां से नायब सैनी मुख्यमंत्री बतौर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, 11 कमल खिले गए हैं। लेकिन सोनीपत के जो सांसद हैं वो भीतरी घात का आरोप लगा रहे हैं, इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है? देखिए अब चुनाव में करते हुए अगर कोई उनके ध्यान में बात आई होगी तो हम तो हर चुनाव के बाद समीक्षा करते हैं और सोच विचार करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए।